अगली खबर आ रही है बुरहानपुर से, जहां दरगाह ए हाकिम परिसर में स्थित भगवान इच्छेश्वर हनुमान मंदिर का मसला हल ही नहीं हो रहा है। ज्ञात हो यह मंदिर दरगाह ए हाकिम ट्रस्ट की विवादित भूमि पर स्थित है। कुछ दिनों पूर्व ग्रामवासी और मंदिर समिति के लोग आसपास की सरकारी भूमि पर दरगाह के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर गौचारण की भूमि पर गंदगी और कचरा फेंकने को लेकर जिला प्रशासन को शिकायत करने के बाद धरने पर बैठ गए थे। इस धरना प्रदर्शन के सूत्रधार उदासीन मंदिर के महंत पुष्करानंद महाराज थे। महंत ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर भूमि का सीमांकन करने, गौचरण भूमि अतिक्रमण से मुक्त करने व गंदगी हटाने को लेकर जल समाधि तक की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रशासन जागा था और अतिक्रमित भूमि की नप्ती शुरू हुई थी। सांसद विधायक भाजपा प्रवक्ता अर्चना चिटनिस सब ने धरना प्रदर्शन उठवाया गया था। अचानक 15 नवम्बर की अंधेरी रात में 9 बजे प्रशासनिक छुट्टी के दिन अपर कलेक्टर शैलेन सिंह प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ दरगाह हाकिम की विवादित भूमि पर पहुंचे। इसी खबर पर इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति के लोगों को मिली, तब वे खबर मिलते मंदिर पर पहुंचे। समिति के लोगों ने जब प्रशासन से सवाल किया कि आप इतनी रात को यहां कैसे आए, तो इस पर अपर कलेक्टर शैलेन सिंह सोलंकी मंदिर समिति के लोगों पर गुस्सा हो गए। प्रशासन के रवैये का मंदिर समिति के सदस्य ठाकुर प्रियंका सिंह महंत पुष्करानंद से उदासीन आश्रम में प्रेस वार्ता लेकर विरोध किया। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या करता है। ज्ञात हो कि दरगाह समिति और इच्छेश्वर हनुमान मंदिर का प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन है। यह समझ से परे है जो प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन है, तब वहां रात को प्रशासन क्या करने गया। वहीं दूसरी ओर जन चर्चा यह है कि इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति के लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए बिना नप्ती के उठे ही क्यों। दूसरी ओर सत्ता से जुड़ा कोई भी नेता इस मामले में खुलकर सामने आने से डर रहा है। ये संज्ञान में है, विगत कई माह से दरगाह हकीमी इच्छेश्वर हनुमान समिति में नप्ती सीमांकन का कार्य चालू है। 20 दिन हो चुके हैं। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को भूख हड़ताल से गांववासी उठे थे और 3 तारीख को नप्ती खत्म करने का स्थानीय प्रशासन ने जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कहा था। आज 20 दिवस पूर्ण होने के पश्चात भी नप्ती का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। गांव वालों ने विगत कई माह से कई आंदोलन, कलेक्टर का घेराव कलेक्टर कार्यालय का और अन्य अन्य प्रकार के आंदोलन भी किए, जैसे काली पट्टी बांध के इत्यादि, लेकिन प्रशासन के नाक में जू तक नहीं रेंग रही, कुछ कार्य नहीं हो रहा है। और 3 तारीख से इस माह की जब से नप्ती चालू हुई है, केवल 4 बार प्रशासनिक अमला नप्ती स्थल पर आया है। 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए मात्र अधिकारी आते हैं और कार्य करते नहीं। समिति और गांव वाले प्रशासनिक कार्य से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। कल रात का एक विशेष एपिसोड हुआ है। रात के अंधेरे में ऐसा क्या काला कारनामा हुआ है, खासतौर पे ये आज मीडिया के समक्ष और शहरवासियों के समक्ष ये बात लाना चाह रहे थे। कल 7:30-8 के मध्य गांव से सूचना प्राप्त हुई कि प्रशासनिक अधिकारी दरगाह समिति के कुछ लोगों के साथ दरगाह स्थल पर आए हैं। तो जो हमारे 4-5 समिति के सदस्य थे, जिनके नाम भी प्रशासन ने लिखे हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। तो जैसे चोरी पकड़ी गई है, उस प्रकार से कोई बिल्कुल पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी आक्रोश में आ गए और जो हमारे 4-5 लोग गए थे उनसे झूमा झटकी भी करने लग गए। कल रात की घटना है।